हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे जून 2023 यूजीसी नेट का जो पेपर हुआ था उसके पार्ट टू की पार्ट वन हम कर चुके हैं और पार्ट वन का सॉल्यूशन का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो में दिख जाएगा तो पार्ट टू में आज हम देखेंगे अगले सवाल सवाल इतने डीपली पूछे गए हैं और इतने इंटरेस्टिंग हैं बहुत लाजवाब प्रश्न है हमारा ये मानना है कि जिसने भी ये पेपर सेट किया है आज तक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो यूजीसी नेट की परीक्षाएं हुई हैं इससे बेहतरीन पेपर नहीं मिलेगा आपको और हमारा ये मानना है कि जिस विद्यार्थी ने इस पेपर में जे किया है उनको बिना किसी अग्रिम परीक्षा के सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर अगर भर्ती करवा दिया जाए तो गलत नहीं होगा देख लेते हैं सवाल देखिए एक एक सवाल हीरा है इस बार का तो पहला सवाल है किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित तो दोहा रहता था अब सवाल की गहराई देखिए कितनी है पहले रचना फिर उसका कोई पात्र और दोहा दे दिया गया है कि ये दोहा किस पात्र की जुबान पर रहता था दोहा देखिए पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकरी चेरी भाग्य भरोसे जे रहे कुपुरुष भाषाई टेरी एक आत्मकथा थी हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं के एन बी डी से आप याद करते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं उसमें एक पात्र है पंडित जी और पंडित जी कायदे से हैं हेडमास्टर एनर्जेटिक आदमी है सक्रिय नवयुवक की भूमिका में है उम्र है उनके 28 साल शादी हो गई है और शादी हुई है आठ साल की एक लड़की है जिसका नाम है बबनी भबना जिसको बोलते हैं भबना से उसकी शादी हो गई है अब पंडित जी भवना के लिए और अपनी मावा यानी माँ के लिए माँ को मावा बोलते हैं गहने खरीदते हैं जेवर खरीदते हैं घड़ी साइकिल सब शौक़ है उनके खरीदने के माँ के लिए और पत्नी के लिए गहने खरीद करके सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं बैंक में ट्यूशन पढ़ाते हैं हर महीने गांव से हंडिया भैंस का घी मंगवाते हैं तो बहुत सारे शौक हैं उनके तो ये पंडित जी जो है उनकी जबान पर ये दोहा रहता है पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकिचेरी भाग्य भरोसे जे रहे कुपुरुष भाषी टेरी कहने की बात भी है कि जो पुरुष उद्यमी होते हैं लक्ष्मी उनके आगे पीछे ही घूमती है ठीक है तो चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है अब ऐसा सवाल आपको इससे पहले नहीं मिला होगा आगरा बाजार से अभी तक आपने सवाल सवालों की प्रकृति दूसरे टाइप की देखी होगी कि पात्र बता दीजिए प्रकाशन वर्ष बता दीजिए लेकिन नाटक का आरंभ किस नज्म से हुआ है कल्पनीय नहीं है तो नज्म कौन सी थी नज्म थी सहर आसोब सहर आसोब का मतलब क्या होता है कि नगर की जो दुर्दशा है उसका वर्णन ठीक है तो सहर आसोब नज्म है उससे इस नाटक का आरंभ होता है हबीब तनवीर का ये नाटक है 1954 में आया था उन्नीस में आया था और इस नाटक में नगर की दुर्दशा का वर्णन तो है ही साथ में एक सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक क्रियाकलापों पर यह नाटक बेस्ड है और इसमें मुख्य पात्र है ककड़ी वाला मुख्य पात्र है ककड़ी वाला जो नज्म गाता है और नज्म किसकी गाता है नज्म वो गाता है नज़ीर आबादी की उसकी कविताएं गाता है नज्म गाता है और अपनी ककड़ियाँ बेचता है दो अंक हैं इसमें आगरा बाजार में आपको बता दूं दो अंक हैं और बाजार की जो बात की जा रही है वो किनारी बाज़ार है कौन सा बाजार है किनारी बाज़ार है ठीक है तो इनको भी आप नोट करते रहें और नजम थी सहर आसोब चलिए सवाल नंबर अट्ठाइस की तरफ आते हैं अट्ठाइस में दो कथन दिए गए हैं पहला वाला कथन है कि वर्षवत के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है वर्षवत क्या कहते हैं कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है ये वही बात है ना कि सहज भाव का सहज उच्छलन है वैसी ही बात है तो ये बात एकदम सही है विलियम वर्ड्सवर्थ की बात बिल्कुल सही है स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है कविता दूसरी बात है कोलरिज की जो इन्हीं के साथ काम करते थे दोनों ने मिलकर के आपको पता है खूब सारा काम किया है तो कोलरिज के साथ जो मिलकर के इन्होंने काम किया रचना भी लिखी थी इन्होंने कॉमन उस रचना का नाम आप कमेंट करके बताइएगा इनकी रचना कौन सी थी ठीक है जिसके जवाब में उन्होंने 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया भी लिखी थी और माना जाता है वो उसी की आलोचना थी ठीक है तो कोलरिज क्या कहते हैं कोलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों के बीच संचय करती है एकदम सही बात है एकदम सही बात है रम्य कल्पना जो होती है केवल स्मृति पर आधारित होती है स्मृति पर निर्भर होती है वो जबकि जो कल्पना होती है वो प्रेरणा और अवधारणा प्रेरणा और अवधारणा अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है तो दोनों कथन एकदम सही हैं कॉलरेज की बात भी सही है और व्हाट्सवत की बात भी सही है तो कथन एक दो सत्य है तो पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा अगले सवाल की तरफ आते हैं अगला सवाल है आलोचना पत्रिका से संबंधित आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं सवाल यह है आलोचना पत्रिका के संपादक इनमें से नहीं है चार विकल्प आपके पास हैं अरुण कमल परमानंद श्रीवास्तव नामवर सिंह कमला प्रसाद अच्छा ये तीन जो शुरुआत वाले हैं अरुण कमल परमानंद श्रीवास्तव और नामवर सिंह ये तो आलोचना पत्रिका से जुड़े हुए पात्र हैं रही बात कमला प्रसाद की तो कमला प्रसाद आलोचना पत्रिका से नहीं जुड़े थे अब बात करते हैं अरुण कमल की अरुण कमल तो 2009 में बने थे इसके संपादक और ये पत्रिका जो आलोचना पत्रिका थी उन्नीस में आती है 1951 में ये पत्रिका आई और इसको निकाला था शिव शिवदान सिंह चौहान ने शिवदान सिंह चौहान ने रही बात परमानंद श्रीवास्तव की तो उन्नीस में परमानंद श्रीवास्तव को सह संपादक बनाया गया था इसका इससे पहले नवल जी इसके संपादक जब हुआ करते थे और परमानंद श्रीवास्तव से पहले की बात मैं कर रहा हूँ तो उन्होंने नागार्जुन पर बहुत कड़ी कटु टिप्पणियाँ कर दी थी जिसके फलस्वरूप सिंह नाराज हो गए नामवर सिंह नाराज हो गए तो उन्होंने नवल जी को हटा दिया और यहां पर परमानंद श्रीवास्तव को सह संपादक के तौर पर ले लिया था तो परमानंद श्रीवास्तव और साथ रहे नामवर सिंह नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के सबसे लंबे समय तक या सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो वो अगर रहे हैं इसके संपादक तो नामवर सिंह रहे हैं ठीक है कमला प्रसाद की बात करते हैं कमला प्रसाद आलोचना से तो नहीं जुड़े लेकिन ये जुड़े थे सबसे पहले पहल से पहल पत्रिका ज्ञान रंजन की निकलती थी आपको पता होगा ज्ञान रंजन की पत्रिका थी पहल उससे ये जुड़े और उसके बाद एक पत्रिका आती थी, थी वसुधा वसुधा पत्रिका थी एक कहाँ से निकलती थी ये आप हमें कमेंट करिए वसुधा के ये रहे हैं ठीक है और रही बात आलोचना की वो त्रैमासिक पत्रिका हुआ करती थी याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं अगला सवाल है सवाल नंबर तीस गौर से देखिए सवाल को सूची एक का सूची दो से मिलान करना है सूची एक में दिए गए हैं पात्र और सूची दो में दिए गए हैं नाटक पहला जो है कृपा कृपा द्रोणाचार्य की पत्नी है का नाम है तो कृपा एक और द्रोणाचार्य के पात्र है एक और द्रोणाचार्य आपको पता उन्नीस सौ में एक नाटक आया था और इसमें दो कथाएं चलती हैं दो आ, पौराणिक कथा और एक आधुनिक कथा वो चल रही हुई है अजय एक पात्र है नई कथानी में नई कहानी में और पौराणिक में द्रोण पात्र रहेगा दो भागों में है तो पहले में चार हैं दूसरे में सात अंक हैं तो ये इस तरीके से चलती हुई कहानी है उसके बाद किन्नी किन्नी जो है वो आधे अधूरे की एक पात्र है सावित्री उसकी बेटी है छोटी वाली बेटी है किन्नी बारह तेरह वर्ष की जो लड़की है उसका नाम है किन्नी बड़ी वाली का नाम है बिन्नी जो बीस वर्ष की लड़की है बिन्नी बड़ी वाली ही बिन्नी छोटी वाली ही किन्नी अच्छा ये आधे अधूरे नाटक है ये कब आया था ये आया था 1969 में उनहत्तर में आया था और इस नाटक में आपको पता है मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं को दर्शाया गया है पारिवारिक विघटन इस नाटक में आपको देखने को मिलेगा एक नारी की त्रासदी और वैवाहिक जीवनों की जो विडंबनाएं हैं रिश्तों की संबंधों की वो इस नाटक में आपको देखने को मिलेंगी आधे अधूरे में अगला जो पात्र है जमुना बहन अच्छा जमुना बहन महाभोज का पात्र है जमुना बहन किसका पात्र है महाभोज का महाभोज में एक पात्र है दासाहब और दास साहब की जो धर्मपत्नी है उसका नाम है जमुना बहन महाभोज उन्नीस का नाटक है ना उन्नीस का नाटक है ग्यारह दृश्य उसके अंदर है बिना दीवारों का घर भी एक नाटक है मनु भंडारी का 1966 में हुआ था ठीक है तो इसमें एक चीज़ दिखाई गई है महाभोज नाटक बहुत शानदार नाटक है राजनीतिक स्वार्थ के लिए किस तरीके से नैतिकता का पतन होता है वो इस नाटक में दिखाया गया है पहली बात दूसरी बात जो हम मानते हैं ना पत्रकारिता या पत्रकार जो होते हैं वो लोकतंत्र की चौथा स्तंभ होते हैं वो चौथे स्तंभकार के तौर पर हम पत्रकारों को दिखाते हैं लेकिन वो किस तरीके से तो अपना स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं बिकाऊ होता था जैसे बिकाऊ मीडिया बोलते हैं वो इस नाटक में दिखाया गया है ठीक है कल्याणी एक पात्र है कल्याणी जो पात्र है वो जुड़ी है चंद्रगुप्त से कल्याणी अच्छा एक बात और बता दें चंद्रगुप्त जो नाटक है वो आया था कब 1931 में इससे पहले 1912 में एक नाटक आता है कल्याणी परिचय जयशंकर प्रसाद का ही और वो कल्याणी परिचय जो नाटक था वो नाटक एज इट इज चंद्रगुप्त में चौथे अंक में रख दिया गया है सेम डिटो तो चौथे अंक को आप उठा करके देखेंगे वही कल्याणी परिचय के डायलॉग हैं वही सेम रखा गया है ये तो कल्याणी परिचय उन्नीस में आया था उसको चंद्रगुप्त के चौथे अंक में इसको रखा गया है अच्छा ये बता दें इसमें चार अंक हैं, बता दें आपको चार अंक हैं चवालीस दृश्य हैं और गीत हैं तेरह ठीक है इसको भी आप याद रखिएगा तो अब तो मैच कर लेंगे सारा सब कुछ हो गया ठीक है अगले सवाल की तरफ आते हैं सवाल नंबर इकतीस सवाल नंबर इकतीस में क्या है नाटक में जो गीत हैं नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन आपको बताना है नाटकों पर सवाल है और बहुत मतलब ये कहूँ कि टेढ़ा सवाल है तो गलत नहीं होगा अंधेर नगरी नाटक है अंधेर नगरी भारत इंदोरीचंद्र का जो नाटक है उसकी बात मैं कर रहा हूँ अंधेर नगरी में कबाब वाला नारंगी वाला कुजड़िन हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं देखिए कबाब वाला गीत गाता है सही है नारंगी वाला भी गीत गाता है कुजड़िन भी गीत गाती है ब्राह्मण भी गीत गाता है लेकिन हलवाई का गीत उसमें नहीं है तो यानी कि यह कथन तो सत्य नहीं है अगली बात देखते हैं दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है अच्छा बकरी नाटक में जो गीत लिखे गए हैं या जो शेरोसारी टाइप की है उसमें दोहा छंद है तो दोहा छंद में अंधेर नगरी और बकरी नाटक में है ये बात सही है ये कथन सत्य है तो दूसरा हमारा सही हो गया यानी कि बी सही हो गया ठीक है महाबोध नाटक आया महाबोझ में और आधे अधूरे और अषाढ़ का एक दिन ये तीन नाटक हैं महाबोझ आधे अधूरे अषाढ़ का एक दिन एक भी पात्र इसमें कोई गीत नहीं गा रहा है बिल्कुल सत्य कथन है महाबोज में कोई गीत नहीं है आधे अधूरे में कोई गीत नहीं है आषाढ़ का एक दिन में भी कोई गीत नहीं है तो एकदम सही है ये कथन भी आपका सही है स्कंदगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद का उसमें गीत है आवेदना मिली विदाई और ये गीत देवसेना गाती है ये कथन भी एकदम सही है अगला एक और कथन है भारत दुर्दशा भारत दुर्दशा आपको बता दें नाट्य राशक है ये लाश्य रूपक भी इसको बोलते हैं तो इसमें किताब खानने वाला एक दृश्य है जिसमें छह सभ्य लोग मिलकर के गीत गाते हैं यहां त्रुटि हो गई छह सभ्य लोग नहीं है सात सभ्य लोग हैं सात सभ्य लोगों की एक कमेटी है वो मिलकर के वहां पर मंत्रणा करते हैं गीत गाते हैं तो सात सभ्य लोगों को छः नहीं है तो ये कथन गलत है देखिए कितना बारीकी से सवाल किया गया है ना तो पहला वाला गलत हो गया और लास्ट वाला गलत हो गया बी सी डी जो है वो ठीक है तो बी सी डी यानी कि दूसरा है हमारा ऑप्शन ये सही है ठीक है सवाल नंबर बत्तीस पर आते हैं सवाल नंबर बत्तीस है कबीर साहित्य के अध्येता इनमें से कौन से हैं कबीर साहित्य की बात करते हैं तो पहला इमरे बंगा। अच्छा इमरे बंगा जो है उन्होंने टैगोर पर काम किया है टैगोर पर काम किया उनका कबीर पर काम नहीं है तो यह तो नहीं है पहला तो यही नहीं है पुरुषोत्तम अग्रवाल का कबीर पर काम है वीरेंद्र यादव का कबीर पर काम है डॉक्टर धर्मवीर का कबीर के ऊपर काम है डेविड लोरेंजन जो है डेविड लोरेंजन का कबीर के ऊपर काम नहीं है अच्छा डेविड लोरंजन जो थे वो पशुपति सिद्धांत इन्होंने दिया था कौन सा सिद्धांत दिया था पशुपति सिद्धांत ये शैव मत वाले हैं याद रखिएगा सैव सिद्धांत की बात ये करते हैं किसकी बात करते हैं सैव सिद्धांत की ठीक है तो ये सैव सिद्धांत वाले हैं अच्छा इमरे बंगा का बता दें आपको इमरे बंगा का मुझे याद आ रहा है भोपाल में हमारा एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो भोपाल में जब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो वहाँ इनको पुरस्कृत किया गया था विश्व हिंदी सम्मान से तो इमर बंगा याद रखेगा विश्व हिंदी सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था भोपाल में जब हमारा ये सम्मेलन हुआ था दसवां था आई थिंक ठीक है चलिए इसका उत्तर कौन कौन सा हो गया इसका उत्तर हो गया पुरुषोत्तम अग्रवाल वीरेंद्र यादव धर्मबिरानी की बी सी डी बी सी डी कहाँ है नंबर दो ये सही है आपका सवाल नंबर तैतीस सवाल नंबर तैतीस एक कहानी है परिंदे निर्मल वर्मा की बहुत प्यारी कहानी है आप सुन भी सकते हैं हमारा वीडियो में लिंक भी होगा इसका तो परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण दिया गया है हां एक लाइन लिखी हुई है आपको बताना कि वो लाइन किस लेखक की है पहले तो ये याद करिए कि वो लाइन है कौन सी याद आ रही है चलिए हम बता देते हैं आपको उसमें सबसे पहले जब आप देखेंगे लाइन लिखी गई है कैन वी डू नथिंग फॉर दैट डेड कैन वी डू नथिंग फॉर द डैड एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द आंसर हैड बीन नथिंग तो ये लाइन थी आपको बता दें कैथरीन मेन्सफील्ड की किसकी लाइन है कैथरीन मेन्सफील्ड की बहुत सही है कितना डीपली सवाल किया गया है? आप देखिए सवाल नंबर राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है यह तो वन लाइनर क्वेश्चन है तो राम कृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर किस समाजवादी चिंतक ने विचार किया है राम मनोहर लोहिया किसका है राम मनोहर लोहिया ठीक है सवाल नंबर पैंतीस की तरफ आते हैं सवाल नंबर पैंतीस आते हैं बहिष्कृत भारत बहिष्कृत भारत अंबेडकर का पत्र है तो अंबेडकर का पत्र इसका प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ था यह उन्नीस में आरंभ हुआ था आपको बता दें मराठी का यह पत्र था और पाक्षिक ही हुआ करता था पाक्षिक हर में दिन में पंद्रह पत्र निकलता था पाक्षिक हुआ करता था अंबेडकर ने शुरू किया था उन्नीस में ठीक है चलिए अगले सवाल पर आते हैं सवाल नंबर 36 निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए आज तक आपने सवाल देखे होंगे उपन्यासों का क्रम सेट करिए लेकिन अभी पूछा गया है यह पात्र पहले तो उपन्यास है कौन सा है फिर उस उपन्यास को क्रम वाइज लगाइए बहुत गहरा सवाल है तो आइए देख लेते हैं इसको पहला है भैरवी भैरवी जो पात्र है वो बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र है बाण भट्ट एक उपन्यास था बाण भट्ट की आत्मकथा उसकी पात्र है भैरवी ये आया था 1946 में अगला देख लेते हैं लीजा लीजा जो है साहनी का जो एक उपन्यास था ना तमस तमस की ये पात्र है लीजा तमस कब आया था तमस आई थिंक उन्नीस में आ, आना चाहिए ये 63 का है बेला बेला जो है वो राग दरबारी की पात्र है और राग दरबारी जो आया था राग दरबारी ये आया था भैया उन्नीस में ये अड़सठ का है सरस्वती सरस्वती जो है वो किसका है शेखर एक जीवनी का और शेखर एक जीवनी आई है कब शेखर एक जीवनी आया है 1940 भी मानते हैं लोग 41 भी मानते हैं तो 40 बयालीस में इसके पार्ट आए थे तो 1940 में आया था तो इनमें सबसे पहले कौन सा हो गया शेखर एक शेखर तो एक जीवनी वाला पात्र सबसे पहले कौन सा है? ये दूसरा ये दूसरा सही हो जाएगा ये दूसरा एकदम सही हो जाएगा ठीक है तो इसका दूसरा यानी कि पहले आता है शेखर एक जीवनी उसके बाद आप बात करेंगे बाण भट्ट की आत्मकथा फिर आपका तमस फिर राग दरबारी इस तरीके से ये सिक्वेंस हमारे पास बन जाएगी ठीक है आइए बात करते हैं सवाल नंबर सैतीस की सूची वन का सूची दो से मिलान करना है सूची वन में विषय दिए गए हैं और सूची दो में निबंधों के नाम दिए गए हैं देख लीजिए तो पहला विषय है आयु और ऋतुओं का संबंध आयु और ऋतुओं का संबंध था आ, उत्तर फाल्गुनी के आसपास में तो इसको इसके साथ मैच करवाइए यानी कि ए का मैच हो गया तीसरे के साथ ठीक है दूसरा देखिए माता मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम ये था उठ जाग मुसाफिर में इसके साथ मैच करवाइए इसको यानी कि ये हो गया पहला ठीक है कल्याण का रूप शिवमूर्ति कल्याण का रूप शिवमूर्ति हो गया चौथा और एक लास्ट का बचा नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी का चिंतन मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र वाला निबंध तो ये हो गया नंबर दो तो तीन एक चार दो तीन एक चार दो ऑप्शन नंबर दो ये सही हो जाएगा इसका ठीक है चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं सवाल नंबर अड़तीस लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर इसमें जो मैं का अर्थ है वो किसके लिए है इसमें मैं का अर्थ क्या है लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर ये मैं आया है निराला के लिए स्रोत स्मृति से ये पंक्ति ली गई है किससे ली गई है स्रोत स्मृति से और इसमें जो मैं आया है वो निराला अपने बारे में कह रहे हैं कि लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर ये मैं जो है वो किसके लिए है निराला के लिए है सवाल नंबर थर्टी नाइन की बात करते हैं भारत दुर्दशा भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है अच्छा पहले इस नाटक में कौन आता है उसके बाद इस तरीके से पात्र पूछे गए हैं सीक्वेंस में बताइए कि पात्र कब कौन सा आता है तो भारत यदि नाटक आपने अच्छे से पढ़ा है तब आप इसको बता पाएंगे तो सबसे पहले उसमें आता भारत सबसे पहले तो एंट्री भारत की होती है भारत के बाद भारत दुर्दैव आता है यानी कि पहले भारत आया ई फिर उसके बाद भारत दुर्दैव आया भारत दुर्दैव के बाद आता है पात्र उसमें रोग रोग के बाद अगर कोई पात्र आता है तो आलस्य और आलस्य के पात्र बाद जो पात्र आया उसका नाम है मदिरा यानी कि डी तो ई सी बी ए डी कहाँ है ई सी बी ए डी सवाल नंबर ऑप्शन नंबर तीन है तो ये इसका सही हो जाएगा पहले कौन सा आया भारत भारत के बाद भारत दुर्दैव भारत दुर्दैव के बाद कौन आया रोग रोग के बाद कौन आया आलस्य आलस्य के बाद मदिरा इस सिक्वेंस में पात्र एंट्री मारते हैं भारत दुर्दशा में ठीक है आइए बात करते हैं सवाल नंबर चालीस की निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर आपको लगाना है पहले से बाद में सीक्वेंस में उनको लगाना है आज तक आपने सवाल सुने होंगे प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लेकिन यह सवाल क्या गया है प्रदर्शन वर्ष के हिसाब से समझिएगा ना नाटक को पहले देख लेते हैं कौन कौन से नाटक दिए गए हैं यहाँ पांच नाटक दिए गए हैं बकरी है महाबली है आगरा बाजार है माधवी है आषाढ़ का एक दिन है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है उन्नीस में ये आया था प्रकाशन माधवी भीष्म साहनी का है और माधवी आया था उल्टा कर दीजिए पिचासी यानी कि उन्नीस में आया था आगरा बाजार जो नाटक है वो उन्नीस में आया था और महाबली नाटक ये 2019 का नाटक है असगर वजायद का और बकरी नाटक जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का था जो उन्नीस में आया था ठीक है ये बकरी नाटक है अब ये तो इनके प्रकाशन वर्ष है लेकिन यहाँ पूछा गया है इनके प्रदर्शन वर्ष के हिसाब से प्रदर्शन वर्ष के हिसाब से हम नोट करेंगे बकरी का जो प्रकाशन हुआ था वो प्रदर्शन साथ साथ ही हो गए थे यानी उन्नीस 1974 में बकरी का प्रदर्शन हुआ उन्नीस में इनमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो आगरा बाजार है आगरा बाजार उन्नीस में कला विभाग जामिया यूनिवर्सिटी में जो है वहां पर ये खेला गया था कला विभाग में उन्नीस में आगरा बाजार ठीक है उसके बाद अषाढ़ का एक दिन की अगर मैं बात करूँ आषाढ़ का एक दिन 1971 में 1971 में खेला गया मणिकोल ने फिर बनाई थी इनकी उन्नीस में इब्राहिम अलकाजी इनके निर्देशन में नाटक खेला गया था तो ये उन्नीस हो गया अब आगे गया, आगे गया जो नाटक है माधवी माधवी जो है वो उन्नीस में पहली बार खेला गया था उन्नीस में पहली बार खेला गया था हालांकि प्रकाशन उन्नीस सौ है तो पहली बार जब ये खेला गया था तो ये राजेंद्र नाथ के डायरेक्शन में खेला गया था माधवी ठीक है तो उन्नीस में ये आ जाएगा तो अब सीक्वेंस लगाते हैं तो पहले तो चौवन है उसके बाद इकहत्तर फिर चौहत्तर फिर बयासी और लास्ट में मावली बच गया 2019 का तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहले कौन सा आएगा पहले आ जाएगा आपका ये वाला आगरा बाजार यानी कि सी ऑप्शन तो ये सी पहला वाला सी सबसे पहले यही है तो इसी में आपकी बात बन जाएगी उसके बाद का एक दिन खेला गया उसके बाद आपको आ, मिलेगा बकरी उन्नीस वाला फिर आपको मिलेगा माधवी और फिर माधवी के बाद महाबली ठीक है तो इस हिसाब से ये सिक्वेंस लग जाएगी नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं अरे यावर रहेगा याद अरे यावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है वन लाइनर क्वेश्चन है तथ्यात्मक सवाल है माजुली द्वीप असम में है कहाँ पे है असम में नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर बयालीस कोसी का घटवार कहानी में लक्षमा के संदर्भ में एक शब्द आया है काला चरेऊ काला चरेऊ इसका क्या अर्थ है चरेऊ होता है सुहाग की निशानी सुहाग चिन्ह जो होता है उसको चरेऊ बोलते हैं तो सुहाग चिन्ह ये किसके लिए है सुहाग चिन्ह के लिए बहुत डीपली सवाल किए गए हैं सवाल नंबर फोर्टी थ्री कबीर का घर शिखर पर जहां सिहली गेल इस वाक्यांश में सिहली शब्द का क्या अर्थ है अच्छा आपको पता है ये जो पूरा दोहा है वो कैसे है कबीर का घर सिकर पर जहाँ सीली गेल पाँव न टिके पीपल का तहाँ खलकन लोरबेल ये वाला पद है इसमें सीली जो होती है उसका मतलब होता है फिसलने लायक जो जगह बन जाती है वो तो फिसलने लायक इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ठीक है सवाल नंबर चवालीस देखिए सवाल नंबर चवालीस है ये तो तथ्यात्मक सवाल बन जाता है अगर आपको जानकारी है तो आप निकाल पाएंगे अन्यथा आप मुंह की तरफ देखते रह जाएंगे भारतीय नव के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है नव के संबंध में बताना है तो नव का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का ना होकर के सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था सही कथन है ये नव का मतलब सभ्यताओं की टकराहट नहीं है सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का समान था सही है दूसरी बात नवजागरण में क्या था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलनों की निंदा की यह गलत है निंदा की बात स्त्री आंदोलन की नहीं होती स्त्री अधिकार के आंदोलनों की निंदा उसमें नहीं थी उसमें उठाई गई थी बातें नेक्स्ट औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था सही बात है औपनिवेशिक माहौल था एकदम सही और भारत का नवजागरण, बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा क्या कर रहा था आत्म पहचान के लिए भी संघर्ष कर रहा था राष्ट्रीय आत्म पहचान के लिए भी संघर्ष कर रहा था ठीक है तो यह बात भी सही है अगला सवाल है अगली पंक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे नहीं भाई मूर्ति पूजा का समर्थन वो नहीं करते थे ये गलत हो गया ठीक है तो ये गलत है सवाल नंबर आगे जो पंक्ति है उसको देख लेते हैं भारतीय नवजागरण के जनक राजा राम मोहन राय मोहन राय को जीवन में आरंभिक काल में ही रूढ़ीवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा बिल्कुल सही बात है तो ये बात सही है तो गलत इसमें हो गए दो चीजें कौन कौन सी एक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला गलत है यानी कि बी नहीं है और एक है डी नहीं है यानी कि ए सी ई ए सी ई यानी कि सवाल नंबर ई e, इसका उत्तर सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन ठीक है आज सवाल नंबर पैंतालीस का आखिरी सवाल रामचरित मानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आसुफलदाय कहा है तुलसीदास ने उत्तरकांड में भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और असुफलदाय कहा है ये बात कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो ये पार्ट जो था पार्ट नंबर दो हमने आज किया पार्ट नंबर तीन जिसमें आगे के सवाल हम देखेंगे और पार्ट नंबर चार ये दो पार्ट और हम जल्द आपके साथ लेकर के उपस्थित होंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हौसला बढ़ाइए आगे अगले दो पार्ट वन टू वन जो है कल परसों आपके पास हाजिर हो जाएंगे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है थैंक यू नमस्कार जय हिंद